हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं अप्पम बनाने जा रही हूँ जिसकी की विधि इस प्रकार है। आइए मेरे साथ। फ्रेंड्स, ये मैंने गाजर, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च को काट के और हरी मिर्च को काट के रख लिया है और हरे धनिया को मैंने काट के रखा है। इसको जो है मैं क्रशर में डाल करके क्रश कर लूँगी। और ये मैंने नमक लिया है, इनो लिया है जिसको मैं टेस्ट के अनुसार डालूंगी, इनो लिया है और लहसुन का पेस्ट लिया है। और ये मैंने दाल चावल का पेस्ट है मेरा ये, जिसको कि मैंने रात भर भिगो के रखा था। अब देखिए कितने अच्छे से ये उठ चुका है। चलिए अब हम अप्पम बनाते हैं। अब इसको मैं फ्राई करने जा रही हूँ और फ्राई करते समय इसमें मैं 2-3 काजू डालूंगी, राई डालूंगी और करी पत्ता डालूंगी। थोड़ा सा रिफाइंड डाल रही हूँ। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच राई डाल रही हूँ। तेज फ्लेम पे गरम नहीं करना चाहिए, तो देखिए मैंने मीडियम फ्लेम कर रखी है इसकी। आप मेरी वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि नॉन स्टिक को किस तरीके से यूज करना है। इसमें मैं ये करी पत्ता डाल रही हूँ, सब्जी डाल रही हूँ, मैं छोटे छोटे पीसेस में करके डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ क्योंकि अपन के घोल में भी मैं नमक डालूंगी। ठीक, वो अब अच्छे से भून गई है। अब इस गैस में बंद कर दूंगी और मैं को मैं गरम गरम को ही अपने बैटर में डाल दूंगी। ये देखिए, ये मेरा बैटर है, ये देखिए, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। एक चम्मच इसमें मैं नमक डाल रही हूं। और इसमें मैं जो हूं लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ये मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट मिला दिया। दोस्त का जो बैटर है थोड़ा सा मुझे वो गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा इसमें मैं पानी मिलाऊंगी। पानी वाला बैटर जो है मैं बहुत पतला नहीं करती हूँ, तो इसमें मैं एक छोटी कटोरी पानी डाल दे रही हूँ। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल सही आ चुकी है। और जब मैं इसको अप्पम मेकर में डालूंगी तो तुरंत डालते समय इसमें मैं इनो डालूंगी। मैंने जो है, मैं आपको चम्मच से दिखा रही हूँ, मैं इसमें जो है मैं सिर्फ 2 चुटकी के बराबर इनो डाल रही हूँ, ये देखिए। और अब मैं इसको मिक्स करूंगी, तो देखिए ये देखिए बैटर मेरा तैयार है, ये देखिए कर रही हूँ। ये देखिए ब्रश की सहायता से अप्पम मेकर के सारे जो खाने जिनमें मैं अप्पम डालूंगी बनाने के लिए, सबको मैं ग्रीसिंग कर दे रही हूँ। ये नॉन स्टिक है तो इसमें हमको ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती है।
को मैंने पूरा भर दिया है और मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है इसमें, सिर्फ ग्रीसिंग के लिए डाला है। जब ये पक जाएंगे तब मैं इसको जब टर्न करूँगी तब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालूंगी। अब मैं इसको इसके लिड से कवर कर दे रही हूँ, टर्न करके दिखा रही हूँ। देखिए कितने आराम से ये टर्न हो रहा है। रिफाइंड और लगा दे रही हूँ जिससे इनमें शाइनिंग आ जाएगी। मैं फिर से लिड से ढक दूंगी। ये देखिए ये अप्पम जो है मेरे तैयार हो गए हैं। तो अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। कितनी आसानी से निकल जा रहे हैं ये, और इनमें देखिए ऑयल की मात्रा भी बहुत कम है। ये देखिए इसको मैं टमाटर की चटनी के साथ सर्व करती हूँ। आप चाहे तो इसको टमाटो केचप के भी साथ खा सकते हैं या हरे धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मेरा पूरा परिवार जो है टमाटर की चटनी के साथ अप्पम खाना पसंद करता है। खूबसूरती के लिए ये हरे धनिया की पत्ती रख दे रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आज अप्पम बनाए थे जो कि दाल चावल से बनते हैं, और इसमें मैंने बहुत सारी मिक्स सब्जियां डाली थी। ये अप्पम जो है ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। खुद भी खाइए और अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्तों को भी खिलाइए। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।